अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में, मुझे मारने आया था सुबह घर पे, मैंने आपको बोला ना भाई मुझे मारने आया है। तो हालांकि जैसे हमने पहले आपको बताया कि चार धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 406, 504, 506, 323 और उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी उसको टेक्निकली अरेस्ट नहीं बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, जो आरोप राखी ने उस पर लगाया उसको उसकी सफाई देनी होगी और सफाई के बाद पुलिस को लगता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपने आप को निर्दोष साबित किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो राखी के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ राइट राखी, क्या बोल रहे हैं? अभी मुझे कहते हैं एक दो मिनट के लिए मिलना है, मैंने कहा क्यों? बोलता मिलना है, मैंने क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है, कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया पैचअप का, कोई पाचम नहीं था, वो मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने और आप लोग उधर पहुंचे थे, वो पीछे पहुंच गया था ना, आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया आपने। तो क्या हुआ? अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर जाए। हाथों से खाना खिला तो क्या हुआ? हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता, वो सारे दर्द, मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा? अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है, सीधी उठ के। अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियाँ देता है, मारने पे आता है सुबह घर में भी, अभी भी आए मारने पे आए, मैं डर गई, तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी, ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया, मैंने पुरानी बाइट है, कल सुबह कहाँ गया? सुबह घर पे तो आया नहीं, सवाल ही उठता नहीं, 3 दिन से आया नहीं है, झूठ बोल रहा है वो, उसके दिन पुराना है, चार पाँच दिन पुराना। पूरा दिन चला चुका है।